आपको शराब की लत लग चुकी है या लगने वाली है, ये कैसे पहचाने, इसके बारे में मैं 14 टिप्स देता हूँ। इसमें से आपको यदि कोई है तो समझ जाना कि आपको एक तो शराब की लत है या लत लगने वाली है, एडिक्शन होने वाला है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल्स हैं, एक हॉस्पिटल पूरा रिहैब सेंटर है कि जहाँ हम रिलेटिव्स के अलावा पेशेंट को अकेले भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। नंबर एक पॉइंट जो है वो है कि शराब पीने का जो अमाउंट है उसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं रहा अभी, मतलब कभी ज़्यादा पिएंगा कभी कम पिएंगा और कहाँ रुकना उसको ये मालूम नहीं है। कोई उसको आग्रह करता है कि नहीं नहीं ले लो तो फिर वो और लेना चालू कर देता है और लेते रहता है, तो उसका कोई कंट्रोल नहीं रहा है, तो एक ये लक्षण हो सकते हैं। नंबर दो, शराब पीने में वो ज़्यादा टाइम लगाता है, मतलब आधा घंटा, एक घंटा, दो दो घंटे बैठेंगे और शराब पीते बैठेंगे बहुत ज़्यादा टाइम वो लगा रहा है, तो उसमें उसका टाइम भी बहुत जा रहा है, लोगों के साथ में, दोस्तों के साथ में, घर में भी बहुत ज़्यादा टाइम वो पी रहा है। नंबर तीन है कि शराब बढ़ती मात्रा में पी रहा है, बढ़ती मात्रा में, पहले एक दो पेग लेने से उसको ठीक लग रहा था, उसको चल जा रहा था, अभी उसको वही अभी किक बैठने के लिए 4-5 पेग भी लेना पड़ता है और वो धीरे धीरे मात्रा बढ़ते जा रही है। नंबर चार जो है ये पॉइंट है, उसको क्रेविंग हो रहा है, और क्रेविंग का मतलब क्या है कि उसको इतनी तीव्र इच्छा हो जाती है पीने के लिए, बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा कि उसको बाकी उसका कोई सूझता ही नहीं उस समय, वही सोच रहती है, वो विचार रहता है और वो कुछ बाकी सब छोड़ देगा और वो प्रोक्योर करने के लिए वो बराबर कुछ ना कुछ बिहेवियर ऐसा करेगा। ऐसा बोलते हैं कि शराबी को जब विड्रॉल होता है तो उसको ड्राई डे पे भी कहीं भी छोड़ दो या ड्राई सिटी होंगी तो वहाँ छोड़ दो, वो बराबर शराब कहीं ना कहीं से भी मिला के लाएगा। नंबर पाँच जो है कि उसको बाकी सारी एक्टिविटीज़ धीरे धीरे बंद हो जाती है। बाकी सारी एक्टिविटीज़ मतलब कोई हॉबी नहीं है, खेलना कूदना नहीं है, कोई सोशल एक्टिविटी नहीं है, सोसाइटी में जाना, दोस्तों के साथ में जाना, कुछ नहीं रहता है, रिसेप्शन है वहाँ जाना, मतलब वो धीरे धीरे सब कट होते जाता है सोसाइटी से और वो सोसाइटी के साथ में जो रहना उठना बैठना होता है वो कम कर देता है। नंबर छः, उसका यदि बिजनेस और या सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी है तो उसका लेट जाना, दुकान पे लेट जाना, बिजनेस में लेट जाना, छुट्टियां निकालना, ऐसा बहुत बार होता है, आजकल बहुत बार छुट्टी निकालते रहते हैं, अब्सेंट रहते रहते हैं, ऐसा मालूम पड़ते रहता है, तो ऑफिस का टाइमिंग, ऑफिस में लेट जाना, छुट्टियां निकालना ही होता है। नंबर सात, वो जिम्मेदारियां लेना छोड़ देता है धीरे धीरे, मतलब घर की जिम्मेदारी हो, काम नहीं करेगा घर पे, सब वो वाइफ के ऊपर छोड़ देगा, कमाने की जिम्मेदारी है, बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है, सिखाने की जिम्मेदारी है, सब जिम्मेदारियाँ उसे मुक्त, वो कुछ करेगा नहीं, बस वो और उसकी शराब ये रहेंगे और अकेले अकेले रहेंगे और वो पीते रहेंगा। जिम्मेदारी उसको लेने के लिए बोले तो भी नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा, मुझे ये नहीं वो नहीं, ऐसा टाइम पास कर लेगा। नंबर आठ, उसके रिश्ते जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, परिवार में, रिलेटिव्स के साथ में, दोस्तों के साथ में, उसके रिश्ते धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, टूटे जाते हैं, वो अकेला पड़ते जाता है। नंबर नौ, विड्रॉल सिम्टम उसको आना शुरू हो जाते हैं। विड्रॉल सिम्टम मतलब हाथ कपना, पसीना आना, दिल में धड़कन होना, चक्कर आना, नींद नहीं आना, कभी कभी फिट्स आ जाना, कानों में आवाज़ आना, ऐसे विड्रॉल सिम्टम्स उसको आते हैं, तो वो उसकी शुरुआत हो सकती है कि भाई ये प्रॉब्लम है। नंबर दस, उसकी निर्णय लेने की क्षमता जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, निर्णय ले सकता नहीं है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं रहती है, तो फिर उसमें क्या होता है कि ड्राइविंग बोलो, ड्राइविंग करते समय एक्सीडेंट लोगों की क्यों होते हैं, क्योंकि ड्राइविंग के समय उनका अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन, डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं रहती है, तो एक्सीडेंट हो जाता है। एक तो इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाता है, इम्पल्सिवली कुछ तो भी फटाक से कुछ तो भी कर लेगा, और इनहिबिशंस उसको होना शुरू हो जाता है। इनहिबिशन मतलब जो नहीं करना चाहिए वो कर देगा शराब की अवस्था में, जो उसको वैसा बोलेगा नहीं अदरवाइज वो बोल देगा, किसी का अपमान, बड़े लोग हैं उनका अपमान कर देगा, वैसा अदरवाइज वो पिएगा नहीं तो अपमान नहीं करेगा, तो ऐसे इनहिबिशन उसके कम हो जाते, मतलब ख़त्म हो जाते हैं और वो कुछ भी उसमें करना चालू कर देता है। तो नंबर 11, उसके हॉस्पिटल विजिट या डॉक्टर्स की विजिट बढ़ती जाती है, उल्टियाँ हो गई, चक्कर आ रहे, बीपी कम हो गया, पीलिया हो गया, बुखार आ रहा है, क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाती है, फिर थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर उसको, उसकी तबीयत खराब होगी और वो डॉक्टर की तरफ चक्रा काटते बैठेगा, आज ये खराबी है, कल वो तकलीफ हो रही है, ऐसा डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल विजिट्स दे आर इंक्रीजिंग। नंबर 12, उसके लीगल प्रॉब्लम्स चालू हो जाते ज़्यादा, किसी से भी झगड़ा कर लेगा, बिना कारण कोई झगड़ा हो जाता है,
कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मारपीट कर देगा छोटी छोटी बात के ऊपर, तो उसके ऊपर केसेस दाखिल हो जाएंगे। फिर केसेस को समझा समझा कि मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करो, पुलिस थाने जाओ, तो कुछ ना कुछ केसेस चालू है, तो ऐसा हो सकता है। नंबर 13, चाहते हुए भी छोड़ना नहीं चाहता। समझो कोई ऐसा बोलता है कि नहीं, मुझे है ना बिल्कुल छोड़ने की इच्छा है, बिल्कुल मैं छोड़ दूंगा, छोड़ना ही चाहिए, ऐसा बोलता रहता है और छोड़ता नहीं, समझ जाना कि ये रास्ते पे लग गया, एडिक्शन के रास्ते पे। नंबर 14, ये व्यक्ति जो है ये सुबह से चालू कर देता है, उसको जमता ही नहीं है। सवेरे चाय के बदले लगे तो वो शराब पीना चालू कर देगा, और नहीं पिया तो फिर उसको जमता नहीं, हाथ कांपना शुरू हो जाएगा, पसीना आएगा, तो सुबह से शाम तक चालू है, बीच बीच में काम करेगा, नहीं तो काम भी बंद हो जाएगा। इनकी कंपनी जो है वो सिर्फ शराब पीने वालों की कंपनी रहती है, बाकी कोई कंपनी रहती नहीं है। सबके साथ में झंझट झगड़ा, उधार पाधार लेना, लोगों से पैसे उठाना और ब्याज से पैसे लेना, हायर रेट पे पैसे लेना। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि 10-10% मंथली ब्याज भरते हैं, पैसे लेते लोगों से, ब्याज से पैसे लेते 10% मंथली, और शराब पीते रहते हैं। फिर उसमें बहुत लोन करके रखो, घर गिरवी रखो, गहने गिरवी रखो, कुछ भी कर सकते हैं, फाइनेंशियली एकदम टूट जाते हैं। तो ये जो है इसका तुरंत इलाज होना ज़रूरी है। इसका इलाज हम यूजुअली जब ज़्यादा होता है तो हम हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। एडमिट करने के बाद में उसको डिटॉक्स कर देते हैं, पहले पूरा बंद शराब, कोल्ड टर्की ट्रीटमेंट बोलते हैं उसको, और उसको पूरा डिटॉक्स कर दिया, पूरा सुला के रखना, ताकि वो आवाज़ आना, डर बैठना, कोई मारने आ रहा है, घबराना, और सब मतलब वो ख़त्म हो जाता है। हाथ कांपना, पसीना आना, तो उसको फिर सलाइन देते हैं, आईवी फ्लूइड देते हैं, और नींद के लिए दवाई देते हैं, फिट्स नहीं आनी चाहिए उसके लिए दवाई देते हैं, और फिर धीरे 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 96 आवर्स करीब करीब ये सब लक्षण दिखाई देते हैं और ठीक हो जाता है। और फिर बाद में उसको साइकोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी, एवर्शन ट्रीटमेंट देते हैं। एवर्शन ट्रीटमेंट में क्या होता है, एवर्शन ट्रीटमेंट में एक हाथ में ग्लास है और एकदम स्ट्रांग शराब है, और दूसरे हाथ में करंट देना है, मशीन लगाई हुई है, तो ऐसा बांस लेता है, झटका बैठता है, फिर वो बांस लेना झटका बैठ रहा, बांस लेना झटका बैठना, तो क्या होता है, कंडीशनिंग हो रहा है। अभी जब कभी शराब लेने जाएंगा तो उसको झटका आप या बैठना शुरू हो जाएगा, तो ये कंडीशनिंग है। तो ये मतलब ये जो कंडीशनिंग है, तो इसको एवर्शन थेरेपी बोलते हैं, वो भी हम करते हैं। फिर मेडिसिन है, मेडिसिन ऐसी है कि कुछ मेडिसिन ऐसी है कि उसको जो पीने के बाद में मज़ा आती है, मतलब फील गुड, तो वो नहीं होता है, मज़ा ही नहीं आती, ऐसी मेडिसिन है। कुछ मेडिसिन ऐसी है कि शराब पीने के बाद में उसको, मतलब शराब नहीं पीना पिया तो जो विड्रॉल सिम्टम आते, तो विड्रॉल सिम्टम नहीं आएंगे। कुछ मेडिसिन ऐसी है कि शराब पीने के बाद में उसको बहुत ज़्यादा रिएक्शन आ जाएंगे। तो ऐसी सभी तरह की दवाइयाँ हम देते हैं और उनका इलाज होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो तो छोड़ना नहीं चाहता मगर घर के लोग बहुत परेशान हैं, तो औरतें आती हैं, उनकी पत्नी, और फिर वो चुपचाप लेके जाती है दवाई, वो पानी में, दही में, दूध में, खाने में मिला के देंगी, और वो मिला के जब देती है तो शराब पीने के बाद में उसको उल्टियाँ आना शुरू हो जाती है। तो उसको लगता है कि यार कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है, आजकल मैं शराब पी रहा हूँ तो मुझे उल्टी आ रही है, तो वो शराब पीना छोड़ देता है। तो इस तरह का इलाज होता है, उनका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। हमारे देश में 14% लोग, 14% लोग शराब पी रहे हैं, 1.6% महिलाएं शराब पी रही है, हर एक महिला के पीछे 17 पुरुष शराब पी रहे हैं, मतलब एक महिला शराब पीती है और 17 पुरुष शराब पीते हैं, मतलब इतना ज़्यादा प्रमाण है। इसमें परेशान है, घर परेशान है, परिवार परेशान है, उसका इलाज होना ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करो, उनका इलाज होने दो, और इलाज करेंगे तो तबीयत फिट रहेंगी, तंदुरुस्त रहेंगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और हमारा देश आगे जाएगा। अब आपका ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।